सोशल मीडिया यूजर्स ये वीडियो सऊदी डिफेंस मिनिस्टर्स का बताते हुए शेयर कर रहे हैं। करते हुए दावा किया जा रहा है कि सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर्स चीनी नववर्ष के जश्न में शामिल होने के लिए चाइना की एम्बेसी में आए थे। आतिशबाजी के बारे में उन्हें पता नहीं था और इस कारण उनकी सिक्योरिटी ने ऐसे मजाकिया तरीके से उन्हें बचाया। कई ट्विटर यूजर्स ने ये वीडियो ऐसे ही दावे के साथ शेयर किया है और इस लिस्ट में एबीपी गंगा के पत्रकार विवेक त्रिपाठी भी शामिल हैं। लेकिन जांच करने पर ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ये वीडियो पुराना है और इसके साथ किया गया दावा भी गलत है। वीडियो को देखने पर हमने कुछ बातें नोटिस की, जैसे पटाखों की आवाज सुनने के बावजूद भी आसपास खड़े लोग वहां से नहीं हटे और बेखौफ वीडियो बनाते रहे। इन बातों को ध्यान में रखकर ऑल्ट न्यूज ने वीडियो के फ्रेम को रिवर्स इमेज सर्च किया। हमें ब्राजील की फैक्ट चेकिंग वेबसाइट का ये आर्टिकल मिला। वायरल दावों को खारिज करते हुए आर्टिकल में कुवैत की अल हदीथ न्यूज चैनल का दिसंबर 2019 का ये ट्वीट शेयर किया गया है। ट्वीट में लिखा है कि ये गल्फ डिफेंस एंड एविएशन एग्जीबिशन का वीडियो है जहां एमिरी गार्ड ने मॉक ड्रिल किया था। गूगल मैप पर मौजूद कुवैत इंटरनेशनल फेयर ग्रांड के विजुअल्स को वायरल वीडियो के फ्रेम से कंपेयर करने पर हमने पाया कि ये वीडियो वहीं का है। कुवैत सरकार की वेबसाइट के मुताबिक 10 दिसंबर 2019 से 3 दिवसीय गल्फ आर्म्स एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन का आयोजन हुआ था जिसमें 31 देशों ने हिस्सा लिया था। यानी दिसंबर 2019 में कुवैत में की गई मॉक ड्रिल का वीडियो हाल में चीन के नववर्ष समारोह में सऊदी मिनिस्टर्स के शामिल होने के दावे से शेयर किया गया।